सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आइको की 9 सीरीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर काफ़ी कमाल के स्पेक्स होंगे और यहाँ पर काफ़ी तगड़ा कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार कैमरे के लिए सोनी के साथ में आइको ने पार्टनरशिप की है। और जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का डिटेल्स कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पीछे की तरफ साफ लिखा दिख जाएगा सोनी गिम्बल स्टेबलाइजेशन। ये एक आइको का 9 सीरीज का स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको सोनी के कैमरे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको गिम्बल की स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, जैसा कि वीवो की X60 सीरीज और X70 सीरीज में आपको देखने को मिली थी। अब यहां पर कैमरा स्मार्टफोन नेक्स्ट लेवल होने वाला है और बताया जा रहा है कि यहां पर आपको जो तीनों कैमरा होंगे आईको 9 प्रो स्मार्टफोन में वो 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलने वाले हैं। अगर ऐसा आईको कर देता तो वाकई में काफी कमाल के स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप होने वाला है। अगर आप आईको की 9 सीरीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईको की 9 सीरीज 3C सर्टिफिकेशन साइट पर सर्टिफाइड हो गई है, जहां पर स्मार्टफोन की चार्जिंग के बारे में और बैटरी के बारे में कंफर्मेशन निकल करके आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आईक्यू के 9 स्मार्टफोन में आपको 4500 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी और आईक्यू के 9 प्रो स्मार्टफोन में आपको 4700 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और सबसे कमाल की बात दोस्तों यह है कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है, तो यानी कि चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है और अराउंड स्मार्टफोन आपको 10 से 15 मिनट में 0 to 100% चार्ज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पर आईक्यू 9 स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888+ वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि डुअल 5G के साथ में आता है, 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। बात करें यहाँ पर आईको 9 प्रो स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और यहाँ पर भी आपको डुअल 5G का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा गेमिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं। अब गेमिंग के लिए भी यहाँ पर स्मार्टफोन काफ़ी कमाल के होंगे, और मेनली यहाँ पर स्मार्टफोन जो कैमरा होने वाला है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो आईको का 9 स्मार्टफोन है वहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और जो आईको 9 प्रो स्मार्टफोन है वहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो स्मार्टफोन जो वो और भी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च की, तो दोस्तों फिलहाल कंपनी की तरफ से कुछ भी कंफर्मेशन निकल करके नहीं है इनके इंडिया लॉन्च को लेकर के, लेकिन लेकर्स का दावा है कि जनवरी के महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियली वैसे आईको यहाँ पर कंफर्म कर चुका है कि यहाँ पर आईको के 9 सीरीज में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि बाकी सभी कंपनियाँ भी बहुत जल्द अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। वैसे भी यहाँ पर इस महीने यानी कि दिसंबर की 20 तारीख को आईको न्यू 5S स्मार्टफोन भी ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वैसे भी अगली वीडियो में उसी के ऊपर लाने वाला हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप आईको 9 सीरीज के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट कर देना, अगर जैसे कोई डिटेल निकल कर आई मैं आपके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। और अगर आपका हमारे कुछ सवाल सुझाव तो संडे कमेंट के लिए अपना सवाल कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।